नुकसान भाई, मोटे नुकसान हो गए अंकल जी का। चलो मेन तो जान है। बहुत ही कैन व्यू आ रहा है यहाँ से, चेक करो ये आगे पीछे राइटर साहब, और ये देखो पीछे व्यू चेक करो। हेलो एंड वेलकम अगेन टू अनदर व्लॉग, और आप इस हाइपरकाइनेटिक व्लॉग्स। और अभी मैं फिलहाल हूँ मैं इंजीनियर सिंह ऑटोमोबाइल, इनसे मैंने आज एक चीज़ ली है माइक अडेप्टर फॉर टेस्टिंग कि भाई आवाज़ कैसी आती है इसमें, मतलब वीडियो की। और अभी हम जा रहे हैं एक्सीडेंटल एरिया जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और फिलहाल मैं देखो इस हिसाब का कुछ कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ माइक अडेप्टर, यहाँ से माइक अंदर, और बाकी मिलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग सर, 10 बजे का फिलहाल 1 बज गया। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग यार, 5 मिनट कितने दे? हर दिन बैक टू बैक मिल रहे हैं हम आपको मनीष भाई, आज आप इनकी राइडिंग एंजॉय करोगे। आज हम जा रहे हैं एक्सीडेंटल पॉइंट पे, हम आपको दिखाएंगे किस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ हमारा। अभी हमें फिलहाल इधर, और अभी यहाँ से तुरंत निकलते हैं आगे की ओर, लेट्स गो। और ये देखो मनीष भाई, ये भाई साहब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो चुकी है यार, मतलब धूल मिट्टी वगैरह, पोल्यूशन तो क्या, डस्ट ही बोल सकते हो टाइप से आप, यार धूल। अरे हेलो मनीष डार्लिंग, हाउ आर यू। यह है हसन वैली यार, देख लो फ्री में दिखा रहा हूँ मैं, इधर दूरबीने लगा के देखना पड़ता है वरना। अदरवाइज कहाँ भाई, देखो मुंह पे आ रहा है। यहाँ पे हमारे को एक राइडर्स का ग्रुप भी मिला है, ग्रुप मिला है एमपी, और काफ़ी सारी बाइक से, मतलब बाहर से बंदे आए हैं घूमने। तो ये हमारे को काफ़ी पहले दिख गए थे नीचे, बट अब यहाँ पे थोड़ा स्लो चले हैं। और यहाँ से जो नज़ारा आता है भाई, क्या बना है। तो ये वाला एरिया यार रिस्की है, तो बाहर के जितने भी लोग हैं ना यार, आराम से चला करो पहाड़ों में, अंटिल आपको, मतलब जब तक आपको कंट्रोलिंग का पता नहीं लगता, क्योंकि मोड बहुत डेंजरस होते हैं। हम तो चला लेते हैं, हमारे को पता है किस हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल करना है, पर कई लोगों को पता नहीं लगता है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं मैक्सिमम बाहर के बंदे सभी को पता नहीं है, मतलब पता होता है सभी को, मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, पता होगा हाउ टू कंट्रोल अ व्हीकल ऑन अ डीप शार्प कट, यू नो, समझ रहे हो मेरी इंग्लिश, माई इंग्लिश। तो बस वही है यार, पर कईयों को पता नहीं लगता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे बाहर की है, कई लोकल बंदे भी है यहाँ के जिनको पता नहीं लगता है, जैसे ये। और अभी मैंने सिर्फ हाथ में खाली ग्लव्स पहने, वो भी ग्लव्स नहीं बोल सकते आप इनको, वार्मर बोल सकते हो, वार्मर पहने हैं। यहाँ पे तो गीला गीला दिख रहा है ना आपको, ये गीला गीला जैसा है, ये ना ब्लैक आइस टाइप जम जाती है, ब्लैक आइस नहीं होती जैसी, वैसी जम जाती है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ धूप नहीं पड़ती और काफ़ी चीज़ें रहती है, मतलब उस वजह से इस पर स्किड करने की गाड़ी तक में खतरा है इसमें, ब्रेक्स वगैरह लगाओगे तो सीधी चेकिंग करती हुई जाएगी। और हमने स्विच कर लिया है हेलमेट, सो ये रही हमारी बाइक, चेकआउट करो और बताओ कैसी लग रही है। तो चलते हैं, अगर दिखाते हैं आपको आगे के सीन्स। चलिए कहाँ गया हमारा राइडर। ऐसे एक बात है, इनकी स्कूटी पीछे से लगती बड़ी दे रहा है ना यार, मतलब इनका टायर बड़ी बड़ा कलेक्ट करे, देखो इनका टायर की मॉडिफाई कर टायर बड़ा बहुत गर्व लगता है, बाकी हमारी बाइक का भी जगह करो और बताओ कमेंट करके कैसा है। गजब सीन हो गया, बंदा गवाया नहीं है।
अपना बंदा कहाँ है, वेट कर देते हैं अपने बंदे का। सो लेट्स वेट करते हैं उनका, कहाँ जैसे हैं वो। जैसे हो यार जगह के कम आते हो यार भैया, गुपी 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 आपकी घी की ऊपर क्यों है। लो गाइस हमने निकाल दी, नहीं नहीं यार स्कूटी 125 cc है ना, और जो आपको मैं सुन रहा हूँ 200 cc है ये, सो थोड़ा गैप। बाकी देखने को मैं 11 अच्छी टाइम आ गई ना, मैं बंदे की कर नहीं पाऊँगा यार, मैं करूँगा तो मुझे ये करेगा ही भाई। बाकी जल्द से जल्द बाइक अरे कहाँ, मेरे को ना यहाँ पे आगे डर ही लग रहा है, मेरे को एक्सीडेंट वाली याद आ रही है मेरी वापसी। बट यार डर ना, देखो गलती अगर तो मेरी गलती होती ना, ठीक है तब भी बात होती कि चल यार मेरी गलती है, ठीक है मेरी गलती की वजह से हुआ, तब भी डरे इंसान। जब मेरी गलती नहीं थी तो मैं क्या डरूं भाई, सीधी सी बात। जल्दी चल लो लेट हो जाएंगे यार। रोड तो काफी अच्छा है यार, भगाने वाला रोड है वैसे ही, मतलब जैसे बंदे भगाते ही है। जो ये गया ना लेफ्ट वाला, ये गया गुठान माहूरी मतियाना, उस दिन ना यहाँ से मैं डायरेक्टली निकल सकता था, पर मैं पेट्रोल भराने कहाँ गया, आगे घुमा, बोर्ड साथ ले जाना बाइक में बांध के एक इस पे और चलो। ये वाला मोड है, तो अब मैं समझाता हूँ। बंदा आया, देखो अब मेरी बात सुनो, वो बंदा आया वहां से, उससे कंट्रोल नहीं हुई और वहां से ना मेरे को लगा यहाँ घुस जाएगा इस पॉइंट पे, हाँ बस इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से ना बिल्कुल नीचे देखोगे ना आप, तो ये देख रहे हो झाड़ी हटाता हूँ मैं, तो ये देखो यहाँ से सीधी नीचे जानी थी गाड़ी, खत्म यार नीचे बिल्कुल। वाव तो है ना, पर वाव हो जाना था नहीं, उधर से आया और उसने सीधा यहाँ पे मेरे को हिट करा और पूरी गाड़ी इधर किनारे पे लग गई थी मेरी। बाकी देखो कंट्रोल में बंदे चले हुए है, लगी तो नहीं भैया किसी को, ठीक हुआ कैसे? अरे इधर से है ना ये आगे था टिप्पर लगा, अच्छा अच्छा ब्रेक लगी नहीं ऊपर कोई काट के ब्रेक, हैंड ब्रेक। मेरा खुद का अभी दशहरे वाले दिन यहीं पे हुआ था एक्सीडेंट। ऐसे चलते हैं। अरे हाँ, एक तो बाहर के है ना, जैसे वो पंजाब वगैरह के बाहर के बंदे, तो वो तो खुलेंगे ही, तभी बचे नहीं तो इनको मेरा कार्ड चाहिए दे दूं। नहीं यार गाड़ी बेचते है इनको मेरा कार्ड चाहिए। और भाई मोटे नुकसान हो गया अंकल जी का, चलो मेन तो जान है। बाकी ये जगह ही ऐसी है यार, मतलब ये रोड भी वैसी है, मतलब बंदा भगाता ही है और कंट्रोल भी नहीं होती। चलो हाईवे तो बहुत प्यारा है ये वाला, बहुत प्यारा भाई बहुत प्यारा। सो भाई काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और कपड़े भी है नहीं हमारे पास, क्या खतरनाक व्यू आ रहा है, और यहाँ धूप भी अच्छी है इस जगह पे। गोप्रो दो थोड़ी देर, क्या करना, बढ़िया कंटेंट देंगे आपको, दो आपको एंजॉय कराते हैं अच्छी सी राइड।
देखो सल्लू भाई, सल्लू भाई को चेक करो, स्माइल दे रहे हैं सल्लू भाई। और बाकी आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही कैम व्यू आ रहा है यहाँ से, चेक करो ये आगे पीछे राइडर साहब, और ये देखो पीछे व्यू, चेक करो। जय हो, सुंदर लग रहा है मंदिर। ऑफ रोडिंग नेक्स्ट लेवल होगी यहाँ पे तो। फिर बोलते हैं एंटॉर्क, बंदे करते चेज एंटॉर्क के साथ, वही बंदे चलाने वाला चाहिए है, ये कहीं भी चढ़ जाती है। वीडियो में उतना नहीं दिख रहा होगा, पर ये बहुत ज्यादा कच्चा रोड है। चढ़ चुके हैं यहाँ से अंदर की ओर, हाँ यहीं पे चलो। कैसा है एक्सपीरियंस? तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। जाना तो हमने थोड़ा और दूर था, पर हम लेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। क्यों मनीष भाई, फिर वापसी चले? अब नाइट राइड बताएंगे आपको नीचे, नाइट राइड और बाइक का शायद जो अब बैटरी सिर्फ 17% रहेगी। यही था इस वीडियो में, बाकी होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसी ऐसी जगह आपको दिखाते रहेंगे, और मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और डू सब्सक्राइब यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीनरी चेक करो एक बार यार, कितनी प्यारी सीनरी आ रही है। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।